हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। आज हम देखेंगे हमें आराधना कैसे करनी चाहिए। हम बाइबल से जानेंगे कि आराधना किस प्रकार करनी चाहिए और देखेंगे एक ऐसी वीडियो, एक छोटे बच्चे की वीडियो जिसने इस प्रकार की आराधना की कि मुझे उसे देखकर परमेश्वर के वचनों की याद आ गई। तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे कि वचन में आराधना के बारे में क्या लिखा हुआ है, बाइबल हमें क्या बताती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। और आगे लिखा है, अनंत से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। उसके सामने कैसे आना है? आराधना करनी है और जय जयकार के साथ उसके सामने आना है। तो परमेश्वर ने हमें ये कहा है। और आगे लिखा है, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। भजन संहिता में लिखा है ये सब। तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताया है कि हमें 10 सारंगी वाले वीणा और बाजे बजाकर उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति और आराधना में बहुत पावर है। परमेश्वर का सामर्थ हमसे मिलता है उस समय, पवित्र आत्मा हमें छूता है जब हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर को मगन हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना में मगन हो जाते हैं। जब यरीहो की दीवार थी, जो आराधना के द्वारा यहोशू के ऊपर जब वचन उतरा था कि ये देश मैं तुम्हें देता हूँ, तब यहोशू और उसके साथियों ने आराधना की और वो दीवार टूट गई। सच में प्रियो, आराधना में बहुत सामर्थ है। आराधना बड़े बड़े सामर्थी काम कर दिखाती है। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे और आप इस वीडियो को देखें और परमेश्वर की सामर्थ को जानें। गॉड ब्लेस यू ऑल।